सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 24th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं 23 वीडियोज प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके प्रोबेबिलिटी थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेज को क्लिक करें। एमए क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, तो ये दोनों केस में हम लोग देखेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी। तो सबसे पहले डिस्क्रीट केस देखते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, कि द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और मीन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन को मीन भी कहते हैं, तो कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ ये कंटिन्यूस फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई, ये दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई है उसका कोई एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है रैंडम वेरिएबल एक्स वाई का। तो इसका अगर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना गिवन दैट वाई इक्वल टू वाई जे, कंडीशनल जब वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो कोई एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा, तो कैपिटल वाई इक्वल टू वाई जे हो चुका है, यानी कि कैपिटल वाई का वैल्यू वाई जे आ चुका है, उस समय अगर इसका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है तो उसको डिफाइंड करते हैं ऐसे, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये एक्सपेक्टेशन हम लोग निकाल रहे हैं, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये कब निकाल रहे हैं, जब वाई इक्वल टू वाई जे ऑलरेडी हो चुका है। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो उसका अगर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है जब वाई इक्वल टू वाई जे हो चुका है, तो उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और डिफाइंड कैसे करते हैं कि ये जो फंक्शन होगा, यहाँ पर डिस्क्रीट केस ले रहे हैं, तो डिस्क्रीट केस ले रहे हैं तो एक्स का कई वैल्यू हो सकता है, वाई का कई वैल्यू हो सकता है, एक्स का वैल्यू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट, वाई का वैल्यू भी वाई वन वाई टू डॉट डॉट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग जी जो फंक्शन है उसका एक्स आई और वाई जे पर वैल्यू निकाल लेंगे, जी का एक्स आई वाई जे पर वैल्यू निकाल लेंगे और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है, मान लो अगर एक्स का ही निकालना है तो कैसे निकालते हैं, x को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स आई के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें सम कर देते हैं, i इक्वल टू वन टू जो भी रहता है, अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तक या n है तो n तक, जहां तक भी रहता है वैल्यू। तो डिस्क्रीट केस ले रहे हैं तो ये इन्फाइनाइट भी हो सकता है लेकिन काउंटेबल होता है। तो अगर किसी भी x का ही अगर एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x का जो वैल्यू है उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं। तो यहाँ पर इस फंक्शन का निकाल रहे हैं तो इसका जो भी वैल्यू आएगा एक्स आई वाई जे पर उसका वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का और उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ जब कंडीशनल वर्ड यूज किया गया है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई जबकि वाई इक्वल टू वाई जे हो चुका है, और यहाँ पर जो सम करेंगे वो आई इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर वाई जे जो है वो फिक्स है और सिर्फ आई वैरी करेगा, आई इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। तो किसी भी फंक्शन का अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, तो उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, और उस प्रोबेबिलिटी का और मल्टी जो फंक्शन है दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उसका हम लोग सम कर देंगे, i इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू वाई जे यहाँ पर फिक्स है, y का वैल्यू वैरी नहीं करेगा, सिर्फ किसका वैल्यू करेगा, वैरी करेगा x का, तो यहाँ पर i इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी है। अब जरा ध्यान देना, ये समेशन रहने दो, ये भी रहने दो, और ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका होता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू एक्स आई और वाई इक्वल टू वाई जे दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, वाई इक्वल टू वाई जे जो हो चुका ऑलरेडी इवेंट उसके प्रोबेबिलिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें आई नहीं वैरी कर रहा है, इसमें जे है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा इस समेशन के लिए, इस समेशन में आई वैरी कर रहा है, यहाँ पर तो आई नहीं है, तो इसको हम लोग समेशन के बाहर कर सकते हैं और एक्सपेक्ट ये समेशन जो है वो सिर्फ किस में लगाएंगे, जहाँ आई है तो इसमें है आई, इसमें आई है तो इसमें समेशन लग जाएगा और नीचे समेशन नहीं लगेगा, तो नीचे हटा दिया समेशन,
समेशन ऑफ जी ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू वाई जे। तो ये हो गया फंक्शन एक्स जी का एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक पर्टिकुलर केस देखो, जैसे यहाँ पर जी जो है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स कॉमा वाई का, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो सकता है, या एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो सकता है, या एक्स इंटू वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक्स वाई का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। मान लो ये सिर्फ एक्स है, तो एक पर्टिकुलर केस हो गया कि जी ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू सिर्फ क्या है, एक्स है। तो एक पर्टिकुलर केस देखते हैं, अगर एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो यहाँ पर देखो, इन पर्टिकुलर द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन वाई इक्वल टू वाई जे। यहाँ पर एक्स का कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना व्हेन वाई इक्वल टू वाई जे, ये दिया हुआ है, यानी कि ये ऑलरेडी इवेंट हो चुका है। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू वाई जे, मतलब वाई इक्वल टू वाई जे हो चुका है उस समय एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो जो अभी डिफिनेशन बताएं उसी तरीके से काम करेंगे। एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए जो यहाँ पर फंक्शन होता है, तो यहाँ पर फंक्शन सिर्फ एक्स है, तो एक्स को यहाँ एक्स आई लिखेंगे, जो भी वैल्यू होगा, तो एक्स आई को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू वाई जे, मतलब इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका सम कर देंगे i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये x का एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा। और ये एक्सपेक्टेशन जो है वो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है। तो जिस तरीके से डिस्क्रीट केस के लिए बता रहे हैं, उसी तरीके से कंटिन्यूस केस के लिए भी होगा। तो कंटिन्यूस केस में सिर्फ अंतर क्या होगा, अंतर जो है समेशन की जगह वहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो चलो उसको देखते हैं। कंटिन्यूस केस के लिए द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और मीन वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है और एक्स वाई भी हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं। तो इस कंटिन्यूस फंक्शन का अगर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है व्हेन वाई इक्वल टू स्मॉल वाई इज गिवन, ये ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, ये वाई का जो वैल्यू है वो स्मॉल वाई ऑलरेडी हो चुका है, उस समय इस फंक्शन का अगर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, जी ऑफ एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन निकालना है व्हेन वाई इज स्मॉल वाई ऑलरेडी अकर्ड, ये हो चुका है ऑलरेडी। तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस फंक्शन को इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो फंक्शन है उस फंक्शन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, कंटिन्यूस है ना ये, अगर वो डिस्क्रीट रहता है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। एक्स डिवाइडेड बाय वाई, वाई हो चुका है और यहाँ पर भी x डिवाइडेड बाय y लिखते हैं, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये एक्सपेक्टेशन बता देगा। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए f ऑफ एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई मतलब x और y दोनों है, इंटरसेक्शन हो गया ये, और उसमें डिवाइड करेंगे f y से, तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उससे डिवाइड कर देंगे और ये इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकल गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसके इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर तुम देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसमें तो x है नहीं, तो इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, इसको बाहर कर देते हैं और सिर्फ इंटीग्रेशन जिसमें x है उसमें को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन सिर्फ इसमें कर रहे हैं और y को जो है वो बाहर कर दिए, डिवाइड में है तो डिवाइड में लिखे हुए हैं इसको। अगर ये पर्टिकुलर केस लें, यहाँ पर जो एक्स वाई का फंक्शन है उसके जगह अगर सिर्फ एक्स रहे, तो वैसे केस में क्या होगा कि इन पर्टिकुलर द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन वाई इक्वल टू स्मॉल वाई, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालना है जबकि ऑलरेडी वाई इक्वल टू स्मॉल वाई हो चुका है, तो इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू स्मॉल वाई हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। तो ये कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा उसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से डिवाइड कर देंगे वाई से। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स और एक्स यहाँ पर है तो सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करते हैं, ये वाई जो है वो वाई का फंक्शन एक कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, तो इसको बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से। इसी तरीके से अगर एक्स का ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकला है, अगर वाई का निकालना हो जबकि ऑलरेडी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स दिया हुआ है,
तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, x के जगह y हो जाएगा, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेट करना था y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर y के जगह x हो जाएगा। तो ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हो गया रैंडम वेरिएबल y का, और ये हो गया कंडीशनल एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल x का। चलो देखते हैं इससे रिलेटेड एक सवाल को। हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट टू एंड y डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द लास्ट टू। थ्री क्वाइन को जब टॉस किया गया तो जो पहला दो जो है उसमें जो नंबर ऑफ हेड्स आ रहा है उसको डिनोट किया जा रहा है x से, x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट टू, और जो लास्ट दो है उसमें जो टेल आ रहा है, सॉरी जो हेड आ रहा है उसको डिनोट किया जा रहा है y से। y डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द लास्ट टू, फर्स्ट टू में जो हेड आ रहा है उसको x से, और लास्ट टू में जो हेड आ रहा है उसके नंबर को डिनोट किया जा रहा है y से। तो हम लोग को निकालना है द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y। फिर हम लोग को कोवेरियंस निकालना है x कॉमा y का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या आउटकम्स हो सकता है। जब थ्री क्वाइन को टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम्स कितना होता है, एट आउटकम्स होता है। तो वो सारे को हम लोग लिख जाते हैं। हो सकता है तीनों हेड हो सकता है फर्स्ट सेकेंड हेड हो, थर्ड टेल हो सकता है फर्स्ट हेड सेकेंड टेल थर्ड हेड, इस तरीके से टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड, और लास्ट तीनों हेड टेल हो सकता है। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात, इस आउटकम्स की बात करें तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा। x बताता है नंबर ऑफ हेड्स इन फर्स्ट टू, तो फर्स्ट टू में हेड की संख्या कितना है 2, और लास्ट टू में हेड की संख्या कितना है 2, तो लास्ट टू जो है वो y बताता है। इसमें हेड की संख्या फर्स्ट टू में कितना है 2, तो x का वैल्यू 2, और लास्ट टू में हेड कितना है, अंतिम दो में हेड 1 है तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। शुरू वाला में दो क्वाइन का हेड की संख्या 1 है तो ये x का वैल्यू 1, और लास्ट वाला में भी हेड लास्ट टू का हेड की संख्या 1 है तो 1 हो जाएगा। फर्स्ट टू में हेड की संख्या 1 है तो x का वैल्यू 1, और लास्ट टू में हेड की संख्या 2 है तो x y का वैल्यू 2। फर्स्ट टू में हेड की संख्या 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और लास्ट टू में हेड की संख्या 0 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टू में हेड की संख्या 1 है और लास्ट टू में भी हेड की संख्या 1 है, फर्स्ट टू में टेल की संख्या 0 है और लास्ट टू में टेल की हेड की संख्या जो है 1 है। फर्स्ट टू में हेड की संख्या 0 और लास्ट टू में हेड की संख्या 1, यहाँ पर फर्स्ट टू में हेड की संख्या 0 और लास्ट टू में हेड की संख्या भी 0। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना कि x का वैल्यू या तो 0 या 1 या 2 आ रहा है, और y का वैल्यू या तो 0 या 1 या 2 आ रहा है, मतलब रैंडम वेरिएबल x और y जो है वो उसका वैल्यू 0 1 2 है दोनों का। अब हम लोग ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें इधर हम लोग x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x का वैल्यू यही 3 है, y का वैल्यू भी 3 है, 0 है या 1 है या 2 है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो x का भी वैल्यू 0 हो y का भी वैल्यू 0 हो। अब देखो कितने आउटकम्स है जिसमें से x और y का वैल्यू 0 है, x का भी वैल्यू और y का वैल्यू 0 होना चाहिए। देखो दोनों का वैल्यू 0 सिर्फ एक में है, अगर तीनों टेल आ जाता है तब तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये एक फेवरेबल केस है और टोटल केसेज है 8, यानी 1/8 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो x का वैल्यू 0 आना है और y का वैल्यू 1 आना है, इसके फेवर में भी मात्र एक केस है तो इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 आने का प्रोबेबिलिटी, तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए, 0 तो यहाँ पर है और यहाँ पर है लेकिन y 2 है इसमें, y 2 नहीं, यानी कि कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें x का वैल्यू 0 हो और y का वैल्यू 2 हो, यानी इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। फिर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 का वैल्यू, तो x इक्वल टू 1 ये चार केस में है और y इक्वल टू 0 किस में है, y इक्वल टू 0 इसमें है, मतलब ये वाला सिर्फ आएगा, तो x का वैल्यू 1 भी है और y का वैल्यू 0 भी है, इसके लिए भी फेवरेबल केस मात्र एक है तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 यहाँ पर चार केस में है, चार केस में है, और y इक्वल टू 1 देखो ये केस में भी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, इस केस में भी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, तो इसके फेवर में 2 केसेज हो गया तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/8। यहाँ पर 2/8 ही लिख रहे हैं हम लोग, इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 हो,
तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2 यहाँ पर है, और तो कोई केस नहीं है जिसमें एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2 हो, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। फिर एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 0, तो एक्स 2 यहाँ पर दो केस में है और वाई 0 है क्या? वाई 0 नहीं, यानी इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। फिर एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1, तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1 एक केस ये है और किसी भी केस में नहीं है, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2, तो एक्स 2 और वाई 2 एक केस में है और किसी भी केस में नहीं है, तो फेवरेबल केसेज 1 और टोटल केसेज 8। तो ये हुआ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई रेंडम वेरिएबल का। अब इसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन को एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखते हैं। ये क्या बता रहा है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। किसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो ये एक्स का बता देगा, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हो गया ये। और जरा ध्यान देना, इसमें करते क्या हैं, ये तीनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो होने का प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा। तो 1/8 + 1/8 2/8 2/8 को 1/4 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8 + 2/8 3/8 + 1/8 4/8, जिसको 1/2 लिख सकते हैं। फिर एक्स इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा यहाँ पर 2/8, यानी कि 1/4 होगा। और फिर ये जो है वो बताएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, इसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई लिखते हैं। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों ऐड करने पर 1/4 आएगा, यहाँ पर तीनों ऐड करने पर 1/2 आएगा, यहाँ पर तीनों ऐड करने पर 1/4 आएगा, और ये तीनों को ऐड करें या ये तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा है यहाँ से, और ये बता रहा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का, ये बता रहा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो सबसे पहले ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी निकल गया इस टेबल से, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी निकल गया, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इधर आ गया एक्स का, और वाई का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया। अब हम लोग को एक्सपेक्टेशन निकालना है एक्स का वाई का। तो सबसे पहले देखो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन एक्स का निकालना है तो इसके लिए हम लोग एक्स आई को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ पर इससे डिनोट कर रहे हैं एफ एक्स आई कैपिटल एक्स, इससे डिनोट कर रहे हैं, और उसका सम कर देंगे आई का वैल्यू 1 से 3 तक, क्योंकि तीन ही वैल्यू है, एक्स का भी 3 वैल्यू है और वाई का भी वैल्यू 3 है। तो करते क्या है, एक्सपेक्टेशन किसी का निकालना है तो उस रेंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है और उसका जो प्रोबेबिलिटी है दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ अगर एक्स आई नहीं लिखें, सिर्फ अगर एक्स लिखें, तो यहाँ पर हम लोग जो समेशन कर रहे हैं वो किस पर रन करेगा? एक्स पर। अब यहाँ पर ये जो है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बता रहा है, रेंडम डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया, और अगर वही कंटिन्यूस रहता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये प्रोबेबिलिटी ही बता रहा है, एक्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है ये बता रहा है। ये एक्चुअली एफ ऑफ एक्स है क्या? एफ ऑफ एक्स जो लिख रहे हैं ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बताता है कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये इसका स्मॉल एक्स आने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए ये काम करेंगे, तो एक्स का वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे, उसके करिस्पॉन्डिंग उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पुट करेंगे और दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू एक जीरो था, तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो है तो उस समय उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो हम लोग लेना पड़ेगा, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्स का वैल्यू 1 था और उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी, तो 1 का क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर एक्स का वैल्यू 2 है और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी, एक्स रेंडम वेरिएबल का 2 आने का प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन निकाले हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से हम लोग इसका देख लेंगे जीरो का क्या है। तो जीरो का तुम देखो, जीरो का 1/4 है, 1 का है 1/2 और 2 का है 1/4। तो जीरो का है 1/4, फिर 1 का है 1/2 और फिर है 2 का 1/4। ये तो 0 हो गया, यहाँ पर आ जा रहा है 1/2 और वहाँ पर भी आ रहा है 1/2, तो मीन्स ये सम कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ y के लिए क्या करेंगे, y को उसके मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और y पर रन करवाएंगे, तो y का वैल्यू है 0 और उसके करस्पॉन्डिंग जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 के करस्पॉन्डिंग 1/4 है, चेक कर सकते हो।
जीरो के करिस्पॉन्डिंग जो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 1/4 है, वन के करिस्पॉन्डिंग 1/2 है, और टू के करिस्पॉन्डिंग 1/4 है। तो यहाँ पर जीरो के करिस्पॉन्डिंग 1/4, फिर वन के करिस्पॉन्डिंग 1/2, और फिर टू के करिस्पॉन्डिंग 1/4। तो ये भी इसका सम करके तुम देख सकते हो कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग को एक कोवेरियंस भी निकालना है, तुम देख रहे हो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो कोवेरियंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई का एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं। तो ये जरा ध्यान देना, ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन हो गया ये। तो ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन के लिए क्या तरीका है, इसको निकालने के लिए एक्स इंटू वाई को उसके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से, और उसमें हम लोग डबल सिग्मा लगाएंगे, यानी एक में एक्स वैरी करेगा और दूसरे में वाई वैरी करेगा इस तरीके से। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर एक्स आई वाई जे और एक्स इक्वल टू एक्स आई वाई इक्वल टू वाई जे, इसको हम लोग करते हैं, और i का वैल्यू जो भी रहे 1 से लेकर के अगर m तक है, j का वैल्यू 1 से लेकर के m तक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को रेंडम वेरिएबल का वैल्यू लिखना है और उसका प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो रेंडम वेरिएबल एक्स आई जो है उसको हम लोग सिर्फ x लिख रहे हैं, वाई जे को y लिख रहे हैं, और इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा तो उसके प्रोबेबिलिटी को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी ही इंडिकेट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। और यहाँ पर x का जो भी वैल्यू होगा उसका भी हम लोग लेंगे, और y का भी जो वैल्यू होगा वो सब भी लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये सिग्मा वाई रहने देते हैं, पहले इस सिग्मा को लिखो। तो एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, और इनटू वाई रहने दो, एक्स का जो जो वैल्यू है वो लिख जाते हैं। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स के जगह जीरो और वाई को ज्यों कहते हो रहने दो। अभी हम लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं, एक सिग्मा को हटा रहे हैं पहले, तो एक सिग्मा को हटा रहे हैं, तो एक्स का जो भी वैल्यू है वो सब वैल्यू लिखेंगे और हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू, दूसरा वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है और y रहने दो, f ऑफ x कॉमा वाई, x का वैल्यू 1 और y को ज्यों कहते हो, यहाँ पर स्मॉल y है। और फिर x का तीसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू क्या है, 2 है, और इंटू वाई एफ ऑफ x कॉमा वाई, x इंटू वाई, और यहाँ पर x के जगह 2 पुट कर रहे हैं और y को ज्यों कहते हो रहने दो। तो ये तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब ये सिग्मा वाई यहाँ पर रहने देते हैं और बाकी जो है वो लिख जाते हैं, वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई 1, y, फिर 2 इंटू वाई एफ ऑफ एक्स वाई 2, y। अब हम लोग इसमें सिग्मा लगाते हैं, तो सिग्मा लगाते हैं तो वाई का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो वाई का वैल्यू क्या है, जीरो, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, वाई का वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर रहे हैं। फिर वाई का वैल्यू, दूसरा वैल्यू लेंगे, कौन सा वैल्यू है, 1, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और 1, 1। फिर तीसरा वैल्यू लेंगे, तो तीसरा वैल्यू कौन सा है, वाई का 2 और एफ ऑफ एक्स वाई 1, 2। फिर इसी तरीके से ये फर्स्ट का हो गया, अब सेकेंड का भी लिखेंगे इसी तरीके से। तो वाई का वैल्यू हम लोग जीरो पुट करते हैं, तो 2 इंटू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई 2, 0। फिर आगे बढ़ते हैं, तो वाई का वैल्यू दूसरा वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 एफ ऑफ एक्स वाई 2, 1। और फिर तीसरा वैल्यू, वाई का तीसरा वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 एफ ऑफ एक्स वाई 2, 2। अब हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर 1 रहने देते हैं, और इसका वैल्यू 1, 1 का वैल्यू क्या है, तो 1, 1 का x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, इसका प्रोबेबिलिटी है 2/8, तो यहाँ पर 2/8 को हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। फिर 2 यहाँ रहने देते हैं, और इसका वैल्यू 1, 2 का फंक्शन का वैल्यू, तो 1, 2 यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 हो, इसका है 1/8। और फिर तीसरा आगे बढ़ते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, वहाँ पर आ रहा है 2 और f ऑफ 2, 1, 2, 1 मतलब x का वैल्यू 2 होना चाहिए और y का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/8, तो यहाँ हो जाएगा 1/8। और फिर तीसरा 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, और 2, 2 का, तो x का वैल्यू 2 हो और y का भी वैल्यू 2 हो, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/8। अब ये सभी को अगर ऐड करें तो कितना आ रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसिल हो रहा है 4, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ पर 1+1 और फिर +1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2+1 3+1 4+1 5, यानी कि ये जो एक्सपेक्टेशन है 5/4 आया x इंटू 1 का।
अब फिर एक और काम करना है हम लोग को, कोवेरियंस निकालना है। तो कोवेरियंस कैसे निकलता है, हम यहाँ पर ही निकाल दे रहे हैं इसको। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का निकालने का तरीका होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो एक्स इंटू वाई का एक्सपेक्टेशन निकाल के रखे हुए हैं, दिस इज 5/4 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1, पहले निकाले हुए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1, और फिर यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी निकाले हुए हैं, दिस इज ऑल्सो 1। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ रहा है 4 LCM 5 - 4 मीन्स 1/4। तो एक्स और वाई का जो कोवेरियंस है वो कितना आ गया, 1/y। देखो जो अभी हम लोग सवाल डिस्कस कर रहे थे उसी सवाल में अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना हो, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू वन हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, ये वाई का कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है जबकि ऑलरेडी एक्स इक्वल टू वन हो चुका है। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, ये वाई का कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है तो वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो पी ऑफ वाई इक्वल टू स्मॉल वाई वेन ऑलरेडी एक्स इक्वल टू वन हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे वाई को और उसका सम कर देंगे तो वही एक्सपेक्टेशन बता देता है। एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए वही काम करते हैं कि जो वैल्यू होता है रेंडम वेरिएबल को उसको उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है तो जो रेंडम वेरिएबल का वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगा उसको इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई को इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे वाई का जो भी वैल्यू है। तो वाई का वैल्यू यहाँ पर 0, 1, 2 है, तो वाई का वैल्यू 0 एक बार लेंगे, एक बार वाई का वैल्यू 1 लेंगे, और एक बार वाई का वैल्यू 2 लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिग्मा वाई इक्वल टू 0, 1, 2 रहने दो, यहाँ पर भी ये रहने दो। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वाई इक्वल टू स्मॉल वाई इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 1, और डिवाइड किससे करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1 का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक्स इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे सिग्मा वाई इक्वल टू 0, 1, 2, यहाँ पर वाई रहने देते हैं, ये ऐसा भी लिख सकते हैं इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन लिखना जरूरी नहीं है, एक्स इक्वल टू 1 कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन ही बता रहा है। और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हम लोग अभी बात कर रहे थे एक्स इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो 1/2 पुट कर देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा और वो कॉन्स्टेंट है तो समीशन से बाहर चला जाएगा। तो सिग्मा वाई इक्वल टू 0, 1, 0 है, फिर 1 है और फिर 2 है, और यहाँ पर रह जाएगा वाई इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू स्मॉल वाई। अब वाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके इसका सम करेंगे, यहाँ पर 2 तो बाहर में रहने दो, और एक बार वाई का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0, एक तो ये हो गया। दूसरा फिर 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने पर यहाँ पर y का वैल्यू 1 पुट करेंगे और यहाँ पर भी y की जगह 1 पुट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू भी 1 है। और फिर x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, y का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 2, और यहाँ पर भी y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो क्या किए हम लोग यहाँ पर एक बार y का वैल्यू 0 पुट किए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक बार y का वैल्यू 1 पुट किए, यहाँ पर और यहाँ पर, और एक बार y का वैल्यू 2 पुट किए यहाँ और यहाँ भी, और उसको हम लोग ऐड कर दिए। अब यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी देख लेंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और इसका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी, तो टेबल से पता चल जाएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/8 है, और यहाँ पर 2 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी है 1/8। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे 2, और यहाँ पर हो गया 2/8 प्लस 2/8, यानी कि ये हो जाएगा 4/8, यानी 2 इंटू 4/8 जो कैंसिल होकर के 1 आएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हो गया, तो y का कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकल गया, y का एक्सपेक्टेशन जबकि ऑलरेडी x इक्वल टू 1 हो चुका है उस समय ये हो गया कंडीशनल एक्सपेक्टेशन 1। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में मोमेंट और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।